हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सिर धो के आई थी, तो इसलिए मैं धूप में बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ठंड सी लग रही थी। सिर में पेन होने लगता है मेरे अगर मैं सिर धोती हूँ तो। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ तो बाल भी सूख जाते हैं और मेरे को आराम मिल जाता है। पूजा मैंने तैयारी कर लिया है, बस पूजा करनी है। आज मेरा शुक्रवार का व्रत है संतोषी माता का, तो मैं वो वाली पूजा करूँगी। और आज घर में खट्टा नहीं बनेगा, तो आज घर में नॉर्मली खाना बनेगा। जैसे कि अब मैं दोपहरी में तो मैं आलू के पराठे बना दूंगी और रात को आलू की सब्जी बना दूंगी बिना टमाटर की। खटाई तो हमारे यहाँ वैसे भी नहीं खाई जाती है, पर टमाटर खाए जाते हैं, लेकिन आज टमाटर भी नहीं डालेंगे। तो मुझे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो बच्चे मतलब आराम से खा लें, क्योंकि बच्चों को तो फिर चाहिए। वैसे और तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, बच्चे खा लेते हैं, एक दिन की बात होती है। वैसे धूप तो इतनी अच्छी ना निकली आज, वैसे धुंध धुंध सी है चारों तरफ। आज धुंध का मौसम है पर सूर्य देव तो निकल रहे हैं, पर चारों तरफ स्मोकी सा दिन है, जैसे कि स्मोक सा हो रहा हो। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है भैया, पटाखे इतने फूटे हैं दिवाली पे कि लोगों ने मतलब मना करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पटाखे छुड़ाए हैं, तो उसका तो मतलब असर होगा ही। पॉल्यूशन बहुत है, पब्लिक को बाहर निकलने के लिए भी मना करते हैं कि भाई जैसे बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलो, क्योंकि इससे ही नाक और गले में जो है प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा हो रहा है अजीब सा। और कान में मैंने कुछ पहना नहीं है क्योंकि कान जो है मेरे पक्के पक्के से हो रहे हैं। मैंने त्योहारों पर थोड़े टॉप्स वगैरह पहन लिए, मैं टॉप्स पहनती नहीं हूँ, टॉप्स पहनती हूँ तो गांठें सी हो जाती है कान में। अब बाली भी नहीं पहनी जा रही, तो अब थोड़ा आराम मिल जाएगा तब बालियाँ पहनूंगी। अजीब सा लग रहा होगा लेकिन क्या करूँ, मैंने बाली भी नहीं पहनी और अब पूजा करेंगे। ये उठे नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं, उठ जाएंगे तो फिर पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद फिर नाश्ता बना के इनको भेज देंगे। बच्चे तो नाश्ता करते नहीं हैं, बच्चे तो दोपहर को ही खाते हैं, तो उनके लिए आलू के पराठे बना देंगे। ये बोले मैं भी आलू के पराठे खा लूँगा, तो तुम मेरे लिए चिंता मत करना, फिर मैं इनके भी आलू के पराठे बना के टिफ़िन में दे दूँगी। आज एक दिन ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि सब्जी तो ये और खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं सब्जियां। जैसे घिया मतलब वो क्या कहते हैं काशी फल नहीं खाएंगे, वो बन सकता है बिना टमाटर के, बिना खटाई के, या फिर कोई और सब्जी, लेकिन बच्चे ये सब्जियां छूते ही नहीं है, तो इस वजह से जो है नॉर्मली सब्जी बनानी पड़ती है। तो करूँगी, बीच में मैंने थोड़े एक दो दिन छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने व्रत बीच में छोड़ दिया था। व्रत तो मैंने बहुत पहले पकड़ लिया था लेकिन छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से पकड़े हैं क्योंकि अजीब सा लग रहा था छोड़ने पे, तो मैंने सोचा कि चलो पकड़ लेते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ और कर लूँगी, सब हो जाएगा। वो बीच में व्रत नवरात्रि के पड़ गए थे, उसके बाद करवा चौथ हुई, तो उसमें जो है मेरी तबीयत थोड़ी मतलब डाउन सी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से जो है मुझे बच्चों ने मना कर दिया बिल्कुल, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं फिर से पकड़ रही हूँ तो आज करूँगी। मैंने आज पहले तो कभी आपसे जिक्र भी नहीं किया, तो यही बात है और कुछ नहीं। चलिए बस ऐसे ही निकलता है। अब गर्मी सर्दी आ जाएंगी तो धूप में बैठना होगा, धूप तो लग रही है, थोड़ा बहुत गर्माहट तो है यहाँ बैठ के, अच्छा लग रहा है तो मैं धूप में ही बैठ गई। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
गाइस मैं अपने लिए मखाने भून रही हूँ, उनके पराठे सेक दिए हैं, ये सब्जी से पराठा खा जाएंगे चाय के साथ। और मैं चाय के साथ मखाने, काजू और बादाम भून रही हूँ, पर मैं देसी घी नहीं डाल रही। कहते हैं कि देसी घी नहीं खाते हैं शुक्रवार में, अगर आप को ऐसा कुछ बताओ तो प्लीज़ बताइए कि क्या शुक्रवार को जब देसी घी नहीं खाते हैं। कहते हैं देसी घी खट्टी मलाई से निकलता है, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। तो गाइस अगर नहीं खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि खाते हैं या नहीं खाते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, अब मैं मखाने भून लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने भूख लगा दिया और अब मैं चाय पी रही हूँ। तो जो मखाने भुने थे और चाय थी, चाय तो मैं एक गिलास भर के बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी चाहिए, और वैसे भी सिर धोया है तो अदरक की गरम गरम चाय पीऊँगी तो अच्छा लगेगा, और साथ में मखाने भुने थे। देखिए चाय में तो मैं शुगर फ्री डालती हूँ, चीनी मैं पी नहीं सकती, बच्चे मना करते हैं क्योंकि मुझे एसिड बनता है बहुत ज़्यादा मीठे से, इसलिए मैं शुगर फ्री की चाय पीती हूँ। आप लोग को अगर वो भी ऐसा लगता होगा कि मीठे को मना करते हैं तो हो सकता है उनको शुगर हो, मुझे शुगर नहीं है, बस मैं मुझे एसिड बहुत बनता है मीठे से, तो मेरा मीठा बिल्कुल बंद है, इसलिए मैं शुगर फ्री डालती हूँ और उसी की चाय पीती हूँ। व्रत में तो मैं स्टील ग्लास में पीती हूँ, कप में नहीं पीती, शुरू से ही आदत है, आदत पड़ गई अब तो। और हाँ गाइस, इसमें फल कौन सा खाते हैं जरूर बताइए, वैसे केला तो मुझे पता है, इसके अलावा और फल नहीं पता, और दूसरा देसी घी का प्रयोग होता है कि नहीं होता है ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं पता। मैंने कई जनों से सुना है तो उन्होंने मना करा है कि देसी घी नहीं खाते क्योंकि वो मलाई खट्टी मलाई से निकलता है, तो हो सकता है नहीं खाते हो, तो मैंने इसलिए मखाने ऐसे ही भुने हैं बिना घी के, जबकि मुझे घी में भुने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने आज नहीं भुने हैं इसीलिए, तो बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम हो चुकी है, मैं व्रत का खाना बनाऊंगी अब तो आज, और मैं व्रत में व्रत का खाने में तो सादे आलू, सिंपल हल्दी वाले आलू बना लूंगी हरी मिर्च धनिया डाल के, और थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ प्रसाद के लिए, पर उससे पहले मैं संध्या वाती कर लूँ, तो चल के दिया जला लेती हूँ। Thank you.
सो गाइस, मैंने खीर बना ली है और आलू की सब्जी बना ली है और मैं पराठे बना रही हूँ। बस यही मैं व्रत में बनाऊंगी और फिर भोग लगा के खा लूंगी। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, और संतोषी माता आप पे कृपा बनाए रखे। चलिए, बाय।